सोनीपत के सेक्टर 23 कॉन्फेंसरी की दुकान पर नकाब पोष बदमाशों द्वारा पिस्तल नट और आरी के बल पर दुकानदार पर हमला करने वाले 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए थे। पुलिस ने एक दिन में वारदात को अंजाम देने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दुकानदार से कुछ दिन पहले सामान लेने के दौरान इनका झगड़ा हुआ था, उसी की रंजिश रखते हुए वारदात को अंजाम दिया गया था। सभी 6 आरोपियों को कोर्ट में पेश कर एक दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। आपको बता दें कि सोनीपत के सेक्टर 23 में दिन दिहाड़े दुकान में घुसकर दुकानदार पर ताबड़तोड़ लट बरसाए गए थे और 6 युवकों में से एक युवक हाथ में पिस्तौल और दूसरा युवक हाथ में लकड़ी काटने वाली आरी लेकर पहुंचा था और मौके पर वारदात के दौरान दुकानदार से 50,000 रुपए व सोने की चेन और अन्य सामान लूटकर फरार हो गए थे। सामान खरीदने के दौरान मामूली कहासुनी को लेकर आरोपियों ने बदला लेने की रंजिश के साथ दुकानदार पर हमला किया था। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई थी। फिलहाल पुलिस ने सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी सोनीपत के अलग अलग गांव के रहने वाले हैं और पुलिस का कहना है कि 6 आरोपियों में आरोपी साहिल नशे का आदी है और इससे पहले भी उसके खिलाफ मारपीट के मामले दर्ज हैं। वहीं पुलिस ने दावा किया कि अन्य साथी भी नशे के आदी या नशे के प्रयोग करना होना पाया गया है। नशे के चलते सामान से दुकानदार ने मना किया और इसी की रंजिश के चलते आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह का कहना है कि वारदात के दौरान प्रयोग किए जाने वाले हथियार भी रिमांड अवधि के दौरान बरामद किए जाएंगे और सामान बरामद किया जाएगा। वारदात के सही कारणों का भी पता लगाया जाएगा। दिनांक 8/6/23 को मुकेश नाम के व्यक्ति के साथ उसकी दुकान पर बैठे हुए पर 6 व्यक्तियों द्वारा 2 बाइकों पर आकर मारपीट की गई थी और उससे पैसे, चैन और उसका जो सामान है वो छीना गया था। इस संबंध में पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए 6 के 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और माननीय न्यायालय से एक दिन का रिमांड हासिल किया गया है। रिमांड के दौरान जो वारदात में प्रयोग किए गए हथियार और जो माल है उसको रिकवर किया जाएगा और ये भी पता लगाया जाएगा भाई इन लोगों द्वारा इसी दुकान को लेकर किस वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया।